सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर बहस के दौरान केंद्र ने कहा, विजय माल्या, नीरव मोदी और महेश चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए जब्त कर बैंकों को लौटाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज में। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और महेश चौकसी की 18,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और यह रकम बैंकों को लौटाई गई है। मालूम हो कि तीनों कारोबारी बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्जा बिना चुकाए विदेश भाग गए हैं। उन्हें प्रत्यार्पित कर भारत लाने के लिए विदेश अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सी टी रवि कुमार की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार ने यह जानकारी दी। पीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत में ऐसी करीब 200 याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाओं में कानून के विभिन्न प्रावधानों को अस्पष्ट और कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए उनके दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। मामले में गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी। बुधवार को मेहता ने दुरुपयोग के आरोप नकारते हुए पीएमएलए लागू होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांचों और गिरफ्तारियों का ब्यूरो कोर्ट में पेश किया। उन्होंने कहा कि 2002 में कानून आने के बाद से अभी तक ईडी में कुल 4700 मामले की जांच की गई है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 313 की हुई है, क्योंकि कानून में पर्याप्त विधायी सावधानियां हैं ताकि कानून का दुरुपयोग न हो सके। ऐसा नहीं है कि कानून बहुत बड़ा और नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाला है। मेहता ने माल्या, नीरव और चौकसी की संपत्तियों की जब्ती का ब्यूरो देते हुए कहा कि अभी 67,000 करोड़ की संपत्तियों के मनी लॉन्ड्रिंग के केस अदालतों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे अभी भी बड़ी रकम फंसी हुई है और अदालतों द्वारा प्रदान किए जा रहे संरक्षण की वजह से वसूली का चरण पार नहीं कर पा रही। मेहता ने पीएमएलए के तहत पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 तक में की गई जांचों का ब्यौरा देते हुए बताया कि पुलिस और अनइन्फॉर्मेंट एजेंसियों द्वारा अधिसूचित अपराधों में करीब 33,00,000 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पीएमएलए के तहत उनमें से सिर्फ 2,186 मामलों की ही जांच की गई। इस मामले में पिछले हफ्तों के दौरान कई वरिष्ठ वकील दलीलें पेश कर चुके हैं। इसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रस्तोगी शामिल हैं। उन्होंने अपनी दलीलों में पीएमएलए में हालिया संशोधनों में संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा किया। इस कानून की कई मुद्दों पर आलोचना की गई है, मसलन जमानत की कड़ी शर्तें, गिरफ्तारी का आधार नहीं बताना, ECIR दिए बिना व्यक्ति की गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा का विस्तार और जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान की मुकदमों के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकारता। मेहता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संसदियों का हिस्सा है, जिसके तहत सदस्य देशों को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग कानून को अन्य देशों की तरह ही लाना होता है। मनी लॉन्ड्रिंग इतना व्यापक अपराध है कि इसे कोई देश अकेला नहीं निपट सकता, इसमें वैश्विक स्तर पर मिलजुल कर चलना पड़ता है। तुषार मेहता ने कहा कि विदेश के मुकाबले एक साल में भारत में पीएमएलए के तहत बहुत कम संख्या में मामलों की जांच की जा रही है। भारत में 2015-16 में 111 मामले और 2021 में 981 मामले सहित 5 साल में कुल 286 मामले की जांच हुई। अन्य देशों के मुकाबले इनकी संख्या बहुत कम है। जुड़े रहिए बाकी की खबरों के लिए। धन्यवाद।